डियर वंस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम द विलेज सॉन्ग का सेंट्रल आइडिया जानेंगे कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ द पोएम, व्हाट इज द सेंट्रल थॉट ऑफ द पोएम, या हम ऐसा भी कह सकते हैं इस कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट या तत्व सार क्या है। बिफोर द पोएम आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट सरोजनी नायडू, हु इज सपोज टू बी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिन्हें भारत कोकिला कहा गया है लिटरेचर के फील्ड में, जिनका बहुत बड़ा नाम है। इस पोएम की अगर हम बात करें, इस विलेज सॉन्ग की, तो एक छोटा सा पिक्चर बनाने की कोशिश की है मैंने। बहुत अच्छी आर्ट नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक अलग तरीके से मैंने चाहा है कि आप इसको समझें कि ये पोएम जो है विलेज सॉन्ग, एक गीत है, एक लोरी टाइप का सॉन्ग है, जहाँ माँ अपनी बेटी को कुछ बताना चाह रही है और बेटी माँ की बातों से कितनी सहमत हो रही है, असहमत, यही इस पोएम का एक की थीम है या कहानी है कह सकते हैं। एक बात हम और अलग तरह समझ सकते हैं कि जब दो लोग, टू डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन, एक जनरेशन है जो एक अलग दौर में पैदा हुई है और एक जनरेशन है जो अलग दौर में पैदा हुई है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमेशा डिफरेंट रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट एग्रीड अबाउट बोथ ऑफ अस। तो हम ऐसा कह सकते हैं, एक नदी के दो किनारे हैं, एक किनारे से देखते हैं तो उधर नदी के पीछे बाग दिखाई देता है या जंगल दिखाई देता है, और दूसरे किनारे से देखते हैं तो नदी के पीछे पहाड़ दिखाई देता है। तो ना वो देखने वाला गलत है, ना वो देखने वाला गलत है। इट इज़ नॉट अबाउट देयर व्यूज, इट इज़ अबाउट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, बिकॉज बोथ आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट्स पे खड़े हैं, इसलिए दोनों अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ माँ अपनी बेटी को बता रही है सांसारिक चीज़ों के बारे में, यू नो, मेटेरियलिज्म के बारे में, भौतिक चीज़ों के बारे में, सुंदर वस्तुओं के बारे में, सुंदर जेवरों के बारे में, शादी के बारे में, गहनों के बारे में। लोरियाँ जैसे गीत हैं ये, जिसमें वो पालने के बारे में, झूलों के बारे में, यू नो, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रही है। एक तरह से द मदर ट्राइज टू, यू नो, कन्विंस हर डॉटर, और मे बी ट्राइज टू, यू नो, अट्रैक्ट द डॉटर अबाउट द मेटीरियलिज्म और द रियलिस्टिक वर्ल्ड, जो वास्तविक जीवन है, यथार्थवाद है, रियलिज्म है, इसके बारे में मदर का परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी ओर जो बच्ची है, जो थोड़ी अबोध है, नादान है, मासूम है, उतनी उम्र दराज समझदार नहीं जितना कि उसकी माँ, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, वो अपनी माँ को एक अलग चीज़ बता रही है। वो नेचर के बारे में बता रही है, वो बाहर की दुनिया की खूबसूरती के बारे में बता रही है, वो एक उड़ान के बारे में बात कर रही है, माँ हकीकत और ज़मीन के बारे में बात कर रही है। तो मैंने एक माँ बेटी को मैंने कोशिश किया है इस डायग्राम से, एक छोटी सी अबोध चिड़िया और एक उसका ओनर, उस पिंजरे का। चिड़िया इस बात से परेशान है कि वो पिंजरे में कैद है, वो उड़ना चाहती है फ़ज़ाओं में, हवाओं में, आसमानों में, खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए, उन्हें फील करने के लिए, नेचुरल आस्पेक्ट्स को जीने के लिए। ऑन द कंट्रेरी, मदर इज़ एफ्रेड अबाउट द, यू नो, द रियलिटी ऑफ दैट, यू नो, दैट फ्लाइट। उसे पता है बाहर खौफ है, ख़तरा है, मुश्किल है, अंधेरा है। रियलिटी इसी में है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत, तुम्हारा पिंजरा खूबसूरत, तुम्हारा घर खूबसूरत, बिस्तर खूबसूरत, तुम्हारे जेवर कपड़े खूबसूरत, और तो और तुम्हारा आने वाला दूल्हा भी खूबसूरत। एक मदर अपनी बेटी को, बन्नों को सिखा रही है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, तुम इसमें बंधी रहो। कई बार जंजीरों में भी खूबसूरती होती है, उड़ान कई बार खौफ या ख़तरा लेकर भी आ सकते हैं। दूसरी ओर बच्ची अपना ज़िद के तरह कह सकते हैं, एक स्टबर्न नेचर होता है चाइल्ड का, वो बाहर जाने की बात कर रही है, उड़ने की बात कर रही है, प्रकृति की बात कर रही है, बगीचों की बात कर रही है, फूलों की बात कर रही है, फूलों की महक के बारे में बात कर रही है। सो फॉर मी बोथ आर करेक्ट एट देयर प्लेसेस, दोनों अपने अपने जगह पर ठीक हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कन्विंस करना चाहती हैं कि ये जो है, ये नज़रिया अच्छा है, और वो कहती है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू नो, द पोएम। द मदर इज़ टॉकिंग अबाउट द रियलिज्म, द मटेरियलिज्म। ऑन द कंट्ररी, द डॉटर इज़ टॉकिंग अबाउट द नेचर, प्रकृति, यू नो, एक फैंटेसी वर्ल्ड, एक ऐसी चीज़ों के बारे में कल्पना कर रही है जहाँ उड़ान है, खुशबू है, फूल हैं,
पहाड़ हैं, झरने हैं, नेचर है, प्रकृति है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। आपको पोएम का सेंट्रल आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, एंड अगले वीडियो में हम इस पोएम को वर्ड बाई वर्ड एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टिल देन, बाय।